बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको नाक टीवी 4 पर खुश आमदीद। आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। डामस्टार्ट शहर के मशहूर और मरूफ समाजी और सियासी रहनुमा शौकत हुसैन भट्ट साहब आपकी खिदमत में सुनहरे अकवाल ज़रीन पेश करेंगे। हाँ जी, ये अकवाल ज़रीन चाह रहे हैं हिस्सा दोम। अफलातून ने हज़रत मूसा से पूछा कि अगर आसमान कमान बन जाएं, हवादस तीर हो जाएं और खुदा ताला तीर अंदाज हो तो इंसान कहाँ जाए। कहा, यानी हज़रत मूसा ने फरमाया, तीर अंदाज से करीब हो जाए, यानी अल्लाह ताला के करीब। जिस बात को तू नहीं जानता मुंह से ना कह, और जो जानता है मुस्तहिक से बताने में दरेग ना कर। अगर तुम चाहते हो कि नुकसान में दूसरे शरीक हों तो चाहिए कि अपने नफ़ा में दूसरों को शरीक कर। तीन आदमी सिर्फ तीन मौक़ों पर पहचाने जाते हैं, बहादुर लड़ाई के वक्त, दाना गुस्सा के वक्त और दोस्त हाजत के वक्त। अक्लमंद सोचकर बोलता है और बेवकूफ़ बोलकर सोचता है। ज़बान अगरचे तलवार नहीं मगर तलवार से ज़्यादा तेज़ है। बात अगरचे तीर नहीं मगर तीर से ज़्यादा ज़ख्मी करती है। इसलिए ये हमें ज़बान और आवाज़ को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। मेहनत तकदीर का दायां हाथ है। इंसान का शरफ इल्म व अदब से है, ना कि माल व नसब से। नमाज में कलब की हिफाजत कर, कहाँ कहाँ हिफाजत करनी चाहिए। नमाज में कलब की हिफाजत कर, मजलस में ज़बान की हिफाजत कर, गज़ब में हाथ की हिफाजत कर और दस्तरखान पर शिकम की हिफाजत कर, शिकम यानी पेट। यकीन के तीन दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन। तो खुदा ताला की शनाख्त और कामल मार्फत के लिए इंसान को हक़ुल यकीन के मकाम पर होना चाहिए, वरना दूसरे दो जो दर्जे हैं वो उसमें शक व शुबा है। तो इसी पर ही आज खा किया जाता है। इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। मेरे जी दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़्यादा ख्याल करते हुए नाक टीवी 4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन की घंटी को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।